देखिए जो विजन अच्छा होना चाहिए प्रदेश को, किस प्रकार से हम देश में नंबर वन स्टेट विकास के रूप में बनाएं, ऐसी योजनाएं लेकर के आए जिससे देश के लोग, प्रदेश के लोग मजबूत बने, तो निश्चित रूप से जो आगे का रोड मैप लेकर के चलता है वही सफल होता है। ये विजन 2030 जो है वो पहले से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हम इस प्रकार से पूरे प्रदेश में हमारे चाहे चिकित्सा का ढांचा हो, चाहे हमारा शिक्षा का ढांचा हो, चाहे हमारे जो आमदनी बढ़ने की बात हो, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, चाहे उद्योग स्थापित करने की बात हो, उन सब में हम आगे रहें जिससे हम नंबर वन बन सकें, इसी विजन के तहत। तो निश्चित रूप से फायदा मिलता ही है जब लोगों को पता चलता है, क्योंकि हर व्यक्ति यही कहता है मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, वे कर दिया। लेकिन जो आज नई युवा पीढ़ी है, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, वो ये चाहते हैं कि आप आगे क्या करने वाले हो, ये आपका क्या विजन है। तो उस विजन को हम 2030 के इस मिशन के रूप में हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस का संगठन मजबूत है, सरकार ने अच्छे काम किए हैं और इम्पैक्ट भी आ रहा है, जनता में कोई एंटी कमेंसी नहीं है। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद में पूरे देश में जो कांग्रेस का माहौल बना है और जो हमारी नेतृत्व क्षमता है उसमें जिस प्रकार से लोगों में लोकप्रियता बढ़ी है, ये हमारे सबके लिए बहुत अच्छी बात है। और लोग बाग 9 साल के इस मोदी जी के राज से तंग आ चुके हैं, क्योंकि उन्होंने झूठी बातें की हैं, थोती बातें की हैं, केवल जुमले दिए हैं। देश में कोई इस प्रकार की कोई योजना ये नहीं लेकर के आए जिससे लोगों में एक उत्साह या आशा जगी हो। आप देख सकते हैं कि जब यूपीए सरकार थी तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू हेल्थ जो हमारा राजस्थान में लेकर के आए, इस दिशा में भी काम हुआ। कितनी मेडिकल कॉलेजों की यूपीए सरकार के समय घोषणा हुई, जो आज मोदी जी कह रहे हैं कि हम खोल रहे हैं, ये सब यूपीए सरकार के समय है। राइट टू फूड, मनरेगा, ये इस प्रकार के काम थे जिससे देश में लोगों में एक समृद्धि बनी है और मैं समझता हूँ कि लोगों को फायदा हुआ है। और मोदी जी के समय में नोटबंदी, बेतरतीब जीएसटी, कांग्रेस को हर बात में गाली देना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग करना, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना, मैं समझता हूँ तो ये आप फर्क समझ सकते हैं कि यूपीए सरकार के समय लोगों के लिए किस तरीके की योजनाएं लाई गई और अब 9 साल के अंदर या 10 साल होने लग गए हैं एनडीए सरकार में किस तरीके की लाई गई, ये सब लोग बात देख रहे हैं। देखिए जो जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी बनती है वो जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सभी से विचार विमर्श करके हमको भेजते हैं और प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसको अप्रूव देती है। अगर कोई कार्यकर्ता इसमें रह गया हो, जो काम करने वाला हो, तो हम और जोड़ देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो लोग कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं, जो जुड़े हुए हैं, जो बीच में मान लो भटक गए थे, वापिस अगर कांग्रेस में जुड़ करके रीति रीति में विश्वास करते हैं, तो उनको भी मौका देने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर कोई रह गया तो उसको हम जोड़ेंगे। किसी भी कार्यकर्ता को जो सक्रिय कार्यकर्ता है, अच्छा काम करना चाहता है, संगठन में काम करने का इच्छुक हो, उसको हम और जोड़ देंगे। काहे की परिवर्तन तो राजस्थान में तो हो नहीं रहा है। अब हाँ 2024 के लिए वो तैयारी कर रहे हैं तो वो तो हम भी कर रहे हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। 9 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं किया, आप देखिए काहे की परिवर्तन। पहले आक्रोश यात्रा निकाली, 100, 50, 70, 80,
200-250, जब स्टेट लेवल की आई तो 1000-1200 से ज़्यादा नहीं, लाखों की एक मीटिंग इनकी कह सकते हो कि 7-8 हज़ार की जयपुर में हुई है। बाकी 5 साल में ये कोई भी किसी भी तरीके से आंदोलन नहीं कर पाए, कोई इनकी रणनीति नहीं है। अभी इनमें इतने मतभेद हैं कि ये 3-4 नेताओं को 4 दिशाओं में भेजना पड़ रहा है, एक साथ नहीं बैठा सकते। एक साथ राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बैठ सकते, ये इनकी विफलता है। प्रतिपक्ष के रूप में उन्होंने कोई ढंग से भूमिका नहीं निभाई है, केवल फॉर्मेलिटी कर रहे हैं और ये उम्मीद कर रहे हैं कि मोदी जी और अमित शाह आएंगे और हमको जिता के चले जाएंगे। तो मोदी और अमित शाह जी का लोगों ने देख लिया 9 साल में कि वो किसी भी रूप में किसी भी काम में सफल नहीं हुए, कोई ऐसी योजना नहीं दे पाए, कोई ऐसा राजस्थान के लिए ERCP आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने के लिए मोदी जी कह गए और फिर भी इन्होंने नहीं किया। आज आप बता दीजिए कि जल संसाधन मंत्री हमारे यहाँ के राजस्थान के और पानी के लिए लोग तरस रहे हैं और वो भी जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर आप देख सकते हो, वो ला नहीं सकते थे, इससे बड़ा क्या मौका हो सकता है। दूसरी तरफ आप देखिए CP जोशी जी जब बने थे तो किस तरीके से रोडें आई, किस तरीके से जो रेलवे का कारखाना लगने की शुरुआत हुई, किस तरीके से पानी के लिए उन्होंने भीलवाड़ा में किस तरीके से प्रोजेक्ट लेकर के आए। तो जब आदमी ऊंचाइयों पे होता वो तो एक मंत्री थे, ये तो सब कुछ जल संसाधन मंत्री स्वयं है गजेंद्र सिंह जी, तो फिर भी नहीं लेकर के आए। तो हमारे काम करने में, कांग्रेस के नेताओं के काम करने में और इनमें जमीन आसमान का फर्क है। ये केवल अहंकार में रहते हैं और क्रेश करने की बात करते हैं, संविधान को मानते नहीं हैं और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करते हैं। थैंक यू। बड़ी सादड़ी से आई आवाज, बड़ी सादड़ी से आई आवाज, पंकज भैया डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, एक बार मिलने दो, बस मिलने दो एक बार। आगे आगे पर